itu nih. Malah sedangkan ini तीन रंग है। अगर हकीकत में देखें तो तीन रंग नहीं है, चार। एक रंग क्रोध है, इसको भेदी भी हो। अब तीन चंगों रंगों का मतलब है, सबसे पहले झंडे का एक रिस्पेक्ट और डिस रिस्पेक्ट के ऊपर हम शुरू करते हैं। झंडे की रिस्पेक्ट यह है कि झंडा जो सफेद कलर है वो हमेशा के रूल है, ऊपर रहना। अब मैं जब तीन रंगों की बात कर रहा हूँ, सैफ्रन कलर कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो ऊपर का कलर है ये हिंदुओं के लिए है, बीच का जो सफ़ेद है वो कृष्णों के लिए है, हरा जो है मुसलमानों के लिए है। नहीं, ऊपर का कलर जो है इसको सैफ्रन कलर कैसे ये रंग वो हमारी वीरता का प्रतीक सैटिफाई कर रही है। और सफ़ेद कलर जो है वो शांति का प्रतीक है। और अगर हम क्यों शांति सफेद कलर, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हिंदुस्तानी परंपरा की बात करें, हमने हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जहाँ जो पैगंबर हुए हैं, हमारे यहाँ जो सोशल फार्मर हुए हैं, उन्होंने हमेशा विश्व को शांति का संदेश दिया। और हम हमारी परंपरा जो है, हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो देश के अंदर जो लोग भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली हिंदू धर्म की बात करूं अगर, तो उसमें तो शांति के लिए इतना बड़ा एक शांति मंत्र है जिसमें ये कहता है कि शांति ऊपर, शांति वनस्पति, शांति अंतरिक्ष। इन शॉर्ट बोलूंगा, मतलब कि जब वनस्पति मीन्स पत्तों के अंदर भी शांति, अंतरिक्ष के ऊपर भी शांति, पृथ्वी के अंदर भी शांति, पूरे संसार में अगर शांति की बात करते हैं तो ये बीच का कलर जो वो शांति का प्रतीक है। और हरा कलर हमारी क्रांति, विकास, ठीक है, हरियाली, इसका प्रतीक है। और जो बीच में हमारा चक्र है, खास करके चक्र के अंदर बड़े सारे लोग क्या करते हैं, फटोफट दक्षिण पड़ जाते हैं और झंडा बनवाते हैं। आजकल वो मिल जाते, पहले जो होते झंडा बनाना, और उससे पहले लेके ना बीच में चक्कर लगाते, चक्कर डाल देते थे, ऐसे ऐसे चक्कर लिखीरें डाल दी। झंडे की एक रेशो है 2:3, ये रेशो है। और जो झंडे के अंदर जो नेवी ब्लू कलर का चक्र है, अशोक चक्र, उसके 24 स्तूप्स हैं। कितने? 24 स्तूप्स हैं। और वो हमें बताते हैं कि हम 24 आवर्स हम प्रगतिशील हैं। तो ये एक बात होगी। दूसरा, झंडा 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया जाता है, चढ़ाया जाता है, प्रधानमंत्री चढ़ा चलाता है, क्योंकि पहला जो झंडा 15 अगस्त को चढ़ाया गया था आजाद हिंदुस्तान का, वो झंडा हमेशा ऊपर रहेगा। और 26 जनवरी को जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन झंडे को अनफर्ल किया जाता है, झंडे को खोला जाता है और झंडा टॉप पे रहता है। 15 अगस्त के दिन झंडा हमेशा नीचे रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, जहाँ से हम खींचना शुरू करेंगे, जहाँ से खींच के ऊपर ले जाना 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी को झंडा सिर्फ टॉप पे बंधा होना चाहिए, उस झंडे को हमने खींचना है, सिर्फ और सिर्फ खींच के उधर ही लहरा देना है, झंडे को चढ़ाना नहीं है। ये झंडे के स्पेसिफिक रूल्स हैं। और झंडे के ऊपर ये है, इस झंडे के ऊपर और कोई झंडा नहीं होना चाहिए, एक पोल के ऊपर है। कि आप कई बार देखते हो हम सोशल मीडिया में हमें मिलता है कि झंडे के ऊपर किसी और का झंडा होता है, और हम क्या करते हैं, झंडे से ऊपर अपने धर्म का झंडा लग सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय झंडा ये झंडा है, इसके ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए। मतलब झंडे के रूल है, इसके ऊंचा, सबसे ऊंचा ये होना चाहिए। आप किसी और झंडा लगा लो, आप अपने मस्जिद का झंडा लगा लो, आप अपनी संस्था का झंडा लगा लो, आप अपनी पार्टी का झंडा लगा लो, पर इस झंडे से नीचे रहना चाहिए। ये सेट रूल्स हैं झंडे के, उस झंडे को, सेट रूल्स को हमने फॉलो करना चाहिए।
और झंडा कब कब लहराना, कौन कौन जगह पे, इसके लिए कुछ नियम है। तो ये सारी चीजें इस झंडे की रखवाली करना हमारा फर्ज है, झंडे की रखवाली करना भी, झंडे को रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। रिस्पेक्ट मीन्स रूल के मुताबिक, जो सख्त रूल है उनके मुताबिक झंडा चढ़ाना और झंडा उतारना भी सख्त रूल है, क्योंकि इस झंडे के लिए मेरे देश के अनगिनत लोगों, अनगिनत लोगों ने उस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ जंग करी 200 साल में। सिर्फ व्यापार करने के लिए जो लोग आए थे, तो हिंदुस्तान में सिर्फ परमिशन नहीं थी हमें व्यापार करना है और हमें गुलाम बना के रखा, उसके खिलाफ सभी धर्मों के लोगों ने। मैं जब बात करता हूँ, मैं धर्मों की नहीं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सभी संप्रदाय के लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। और आज उस समय जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, एक भी टोके आज भी देश बन चुके हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन लोग तीन देश बन चुके हैं, तीनों ने इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और उसमें अगर शहीद राजा भगत सिंह थे तो उसमें आसिफुल्लाह खान भी थे, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, खुदीराम बोस भी थे। ये सारे लोगों ने इस देश के अंदर एक उस ताकत को बाहर निकाला जो पूरी दुनिया में राज कर रही थी। इसलिए सल्यूट है इस तिरंगे को, उन लोगों को, उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने हमारे हवाले ये देश किया, वतन किया, और हमारी ड्यूटी बनती है उनके सपनों को स्वीकार करना, इस वतन को संभाल के रखना। धन्यवाद। हिंदू